हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय श्री राम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना केवल आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि सच्चे मन से की गई हर ख्वाहिश पूरी जरूर होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सिमी नाम की एक मासूम और प्यारी सी बच्ची रहती थी। सिमी को रात के समय में आसमान में चंदा मामा और चमकते तारों से बात करना बेहद पसंद था। वह अपनी माँ से अक्सर पूछा करती थी कि माँ, चंदा मामा इतने दूर क्यों रहते हैं? मुझे उनके पास जाना है, मुझे चांद तारों की दुनिया देखनी है। माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन फिर भी सिमी की आंखों में सपनों की चमक और दिल में तारों की दुनिया देखने की चाहत बनी रही। तब माँ को लगा कि सिमी थोड़ी बड़ी होकर ये जिद भूल जाएगी, लेकिन वहीं आसमान से चंदा मामा यह सब देख रहे थे। सिमी का मासूम प्रेम उन्हें बार बार उसकी ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर कर रहा था। फिर उस रात चंदा मामा ने फैसला किया कि वे सिमी की जिद पूरी जरूर करेंगे। इसके बाद जैसे ही सिमी गहरी नींद में सो गई, चंदा मामा आसमान से नीचे उतरे और उसे अपनी गोद में बिठाकर तारों की मनमोहक और जादुई दुनिया की सैर पर ले गए। सिमी जब उठी तो उसने खुद को एक अद्भुत जादुई जगह पर पाया, जहां हर ओर तारे थे जो न सिर्फ चमक रहे थे बल्कि संगीत भी बजा रहे थे। उनकी झिलमिलाहट एक मधुर धुन की तरह सिमी के कानों में गूंज रही थी। सिमी के चारों ओर तारे थे जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब सिमी ने हाथ बढ़ाकर उन्हें छूने की कोशिश की तो वे तारे उसके हाथों में आकर छोटे छोटे चमकीले फूलों में बदल गए। वह पूरी तरह से इस जादुई दुनिया में खो चुकी थी, जहां हर चीज में एक अनोखा जादू था। फिर चंदा मामा उसे आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों की झुरमुट में ले गए। वहां तारे दूधिया रोशनी से भरे हुए थे। चंदा मामा ने सिमी से कहा कि ये तारे तुम्हें और तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों की खुशी से ही चमकते हैं। जहां तुम बच्चे हंसते हो तो ये तारे भी जगमगा उठते हैं। तभी सिमी ने तारों के उस पार एक रंग बिरंगा ग्रह देखा, जहां परियां और जादुई प्राणी रह रहे थे। चंदा मामा उसे वहां भी ले गए, जहां परियां अपने पंखों से चमकीली धूल उड़ा रही थी। उन्होंने सिमी को जादुई झूले पर बिठाया जो तारों से बना हुआ था और आकाश में इधर उधर झूल रहा था। झूले में बैठकर सिमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में घूम रही हो, जहां हर चीज उसके सपनों के जैसा ही था। सिमी को यह सब एक सपने जैसा ही लग रहा था। तारों की चमक, चंदा मामा का प्यार और जादुई सफर, उसकी सारी इच्छाएं मानो जैसे पूरी हो रही थी। वह चंदा मामा की गोद में घूमते घूमते इतनी खुश थी कि उसे समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। वह चाहती थी कि यह सफर कभी खत्म न हो। लेकिन चंदा मामा ने देखा कि सुबह होने वाली थी, उनके जाने और सूरज दादा के आने का समय हो रहा था। इसके बाद चंदा मामा ने सिमी को वापस धरती पर लाकर उसे बिस्तर पर सुला दिया। सुबह जब सिमी की आंखें खुली तो वह अपने बिस्तर पर थी। उसकी आंखों में वो जादुई सफर और परियों के ग्रह की यादें घूम रही थी। सिमी उलझन में थी कि यह सब सच में हुआ था या फिर केवल एक सपना था। लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। माँ ने देखा कि सिमी बहुत खुश है। उन्होंने प्यार से उससे पूछा, सिमी, क्या तुमने चंदा मामा से मुलाकात की? सिमी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, सपने भी कभी कभी हकीकत बन जाते हैं, बस हमें उन पर
विश्वास करना चाहिए। उस दिन से सिमी हर रात आसमान की ओर देखती और चंदा मामा को देखकर मुस्कुराती। अब जब भी कोई बच्चा आसमान की ओर देखता है और चंदा मामा से मिलने की इच्छा करता है तो चंदा मामा उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो बच्चों, सिमी की यह जादुई यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम दिल से किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो वह ज़रूर पूरी होती है। बस हमें अपने सपनों में विश्वास रखना चाहिए और हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सपनों में वह जादू होता है जो हमें अपनी कल्पनाओं से भी परे ले जा सकता है। यह जादू हमारी हकीकत बन सकता है अगर हम उसे सच्चे दिल से चाहें। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।